कोरोना की दूसरी लहर संपन्न हो जाने के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। संस्थान खुलने लगे हैं और सरकारी स्कूल भी लगभग पूरी तरह से खोले जा चुके हैं। स्कूलों में स्टाफ को बुलाया जा रहा है लेकिन बच्चे नहीं आ रहे, जिसको लेकर प्राइवेट स्कूल भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि स्कूलों को खोलने की अनुमति मिले ताकि बच्चे अपने रूटीन पढ़ाई को शुरू कर सके। मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता का निखार नहीं हो पा रहा है। कांठ विधानसभा की पल्लूपुरा घोसी में निजी विद्यालय संचालक चौधरी हरपाल सिंह द्वारा अपनी बात को रखते हुए कहा गया कि अब स्थिति सामान्य की तरफ है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सरकार को अनुमति प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चे धीरे धीरे स्कूलों में आना शुरू हो जाएं और पढ़ाई को सुचारू रूप से किया जा सके। स्कूल के प्रबंधक चौधरी हरपाल सिंह द्वारा कहा गया कि मुरादाबाद में ऐसे कई स्कूल हैं जो शुरू हो चुके हैं लेकिन सरकार का आदेश अभी हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार कोरोना वायरस की गाइड के अनुरूप स्कूलों को खोलने और बच्चों को स्कूल बुलाने की अनुमति प्रदान करे। अब यूपी के स्कूल तो खुल जाने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इस समय कोरोना का कोई मामला नहीं है। चुनाव अगर हो रहे हैं, चुनाव पे भी कोई वो नहीं हो रहा, रोकने लग रही, पूरे कुंभ का मेला भी निकल गया, किसान रैलियां भी हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी तो यूपी में ही थोड़ी ना है सब चीज़ें बीमारी हैं। तो यूपी के विद्यालयों को भी खुल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बच्चों का बड़ा नुकसान हो रहा है और चुनावी रैलियां हो रही हैं सारी चीज़ें करके, उस हिसाब से तो विद्यालयों को खोल देना चाहिए। और अभी गाँव में इसका कोई प्रभाव भी नहीं है, जैसे विद्यालय में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बहुत दिनों से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक साल से ज़्यादा हो गया, लगभग दो साल हो गए, और उनकी शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार खुद इस पर आगे आए और कदम उठाए विद्यालय खोलने के लिए, किसी भी प्रकार के बच्चों का अहित नहीं होना चाहिए।